हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री व्रत की बधाइयाँ, शुभकामनाएं, क्या बोलते हैं, मतलब जिन्होंने व्रत रखा है उन सभी को भगवान की सभी कामनाएं पूरी करें। तो आज मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई बिकॉज आज ऑफिस भी था, बट जितना मुझे मेरी मदर इन लॉ जी ने बताया था कि सुबह ओके नहा धो के पानी चढ़ाना होता है सूर्य देव को, और वो जो हमेशा मैं नहाकर करती हूँ जितना हो सके, और इसके बाद पूजा करने के बाद सुबह थोड़ा खाते नहीं और दिन की तरफ खाना खाना चाहिए, तो ऐसा ही मैंने बनाया। बाकी सारी पूजा तो मम्मी जी ने दिल्ली से ही कर ली थी, बाकी की चीज़ें जो जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। तो आज मम्मी ने बनाए थे वहाँ पे हलवा पूड़ी छोले, और मेरा बहुत मन था खाने का। वो बोल भी रही थी कि मैं कैसे तेरे लिए भिजवाऊँ, बट बहुत दूर है तो भिजवा नहीं सकती, तो मैंने सोचा अब ऑफिस का काम खत्म हो चुका है तो कुछ बना ही लेते हैं घर पे और मैं दिखाती हूँ। एक्चुअली उन्होंने बनाए थे छोले, और छोले कहते हैं चने बोलते हैं जो वाइट वाले वो होते हैं, मुझे नहीं पता है, वो बनाए थे। और यहाँ पे है उसको उबालना, मुझे पता नहीं था तो उबालने में बहुत टाइम लग जाता, तो मैं नीचे जाके उबले हुए छोले लेकर आ गई थी, और उसको फिर टमाटर के साथ छौंक मार के सब्जी बना रही, सॉरी छोले बना रही हूँ। तो अभी छोले बन रहे हैं, थोड़े जलने वाले हैं यार, ये रहे मिर्च के साथ छोले, और ये मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया है। ये मुझे समझ नहीं आता लोहे की कढ़ाई जलती क्यों है, ये एक्चुअली इंडिया के इसमें छोटी कढ़ाई है, और इस वजह से ना ये इस जापान के चूल्हे में ना छोटा ऐसा हो रहा है, इसलिए दिक्कत कर रही है गिर ना जाए। पर छोले का कलर कितना अच्छा लग रहा है ना, टेस्टी सा लग रहा है। मैंने इसमें लाल मिर्च भी डाली है और वो पूरी जल चुकी है, और ये ऐसे हो चुके हैं छोले। लोहे की कढ़ाई में ऐसे क्यों होता है? और वैसे मैं लोहे की कढ़ाई में इसलिए प्रेफर करती हूँ बनाना बिकॉज उसमें लोहे में आयरन होता है, सॉरी आयरन लोहा एक ही तो होता है, तो आयरन अच्छा होता है। तो लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाने से और लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से जो हम खाना खाते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, उसमें काफ़ी आयरन होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इस छोले के बाद मैं बनाऊंगी हलवा, मुझे हलवा बनाना आता नहीं है, तो मैं वैसे यूट्यूब से देखकर बनाऊंगी हलवा कैसे बनता है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बाकी पूड़ी बनाऊंगी, और पूड़ी बनाऊंगी जब ये ऑफिस आ जाएगी तब गरम गरम पूड़ी बनाऊंगी। तो अब मैं हलवे की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने घी डाला है, मुझे मैंने YouTube से देखी ये रेसिपी, घी डाला है और उसके साथ ड्राई फ्रूट्स कुछ और थोड़ा सा सूजी डाल के थोड़ा फ्राई करूँगी, सूजी डाल के थोड़ा सा इसको भूनूंगी जब तक खुशबू नहीं आती तब तक भूनूंगी, और उसके बाद पानी डालना होता है शायद, बस हो गया शायद, ये तो बहुत ईजी। ओ चीनी भी डालनी होती है, तो चीनी भी डाल के फिर ये बन जाएगा हलवा। बहुत टाइम हो गया था वैसे मीठा खाए हुए हलवा, कुछ आज तो सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि भंडारा बन रहा है यहाँ पे। आप भी आइए, सो इंडिया में तो काफ़ी लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे ये फेस्टिवल, तो सबके घर में तो बहुत अच्छा अच्छा खाना बना, शायद इसमें दिन में ही बनाते हैं, बट मेरे पे टाइम था नहीं, आज ऑफिस था इसलिए ये शाम को बना रहे हैं, और हम दोनों ही शाम को फ्री होते हैं तो शाम को ही खाएंगे, तब तक ले बनाती रहती हूँ। मैं ऑलरेडी हलवे की तैयारी कर रही हूँ, तो ये छोले हो चुके हैं रेडी, ये है छोले टंग टंग। मैंने कम इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पसंद वो अगले दिन बचे और अगले दिन उसको खाएं, तो बेस्ट है ताज़ा खाओ, कम बनाओ, फ्रेश बनाओ और फ्रेश उसी टाइम खा लो, अगले दिन वाला वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, और खाना वेस्ट करना और उसको मतलब पुराना खाना खाना बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ कभी कभी हो जाता है बट पसंद नहीं होता है कि हो जाए ऐसा, तो कोशिश करती हूँ लिमिटेड बनाओ और कम ना हो ना ही बहुत ज़्यादा हो। चलो फिर कहाँ तक पहुँचा ये, अभी तक खुशबू आई नहीं है इसकी। चुका है छोले और हलवा और पूड़िया ऐसे बनी है, बाकी छोले और सब कुछ बन चुका है, और ये आ चुके हैं घर। हेलो गाइस, नमस्ते, आपका स्वागत है रचना बिस्ट व्लॉग चैनल। मैं ऑलरेडी स्वागत कर चुकी हूँ। तो आज इतने सारे पकवान बनाए गए हैं, बहुत ही आज दिल खुश हो चुका है, अभी ऑफिस से आके इतना टेस्टी खाना देख के ही दिल खुश हो गया, पेट भर गया। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।